वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास तक अपन चर्चा कर रहे थे समाकलन में क्रम बदलना, ठीक है। इंटीग्रेशन का अपन क्या कर रहे थे, ऑर्डर चेंज कर रहे थे। तो आज उसके ऊपर मैंने बताया था कंसेप्ट की किस प्रकार से चेंज किया जाता है। आपको अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल पट्टी दी हुई है तो आपको उसको वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या करना है, रोटेट करना है और वहाँ से लिमिट निकालनी है। अगर आपको वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल पट्टी दी हुई है तो भी क्या करना है, इसको रोटेट करना है और एक्स एक्सिस के पैरेलल उसकी लिमिट निकालनी है। तो आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो देखना। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग डबल इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, जीरो से ए, जीरो से अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रिजल्ट दिए हुए हैं उनको लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाली लिमिट किसकी दी हुई है आपको, ये लिमिट आपको वाई की दी हुई है, क्योंकि फंक्शन किसका है, एक्स का है, मतलब लिमिट किसकी हो गई, वाई की हो गई। तो वाई बराबर जीरो टू वाई बराबर अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लिमिट बच गई, वो किसकी हो गई, एक्स बराबर जीरो टू एक्स बराबर ए। ये सारी लिमिट हमें क्या दी हुई है, ठीक है। अब इस लिमिट से मुझे क्या बनाना है, कर्व बनाना है। पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देखना, स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर किसकी इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन है। और सर्किल की इक्वेशन है, उसका रेडियस क्या है, उसकी ए उसकी रेडियस है। तो देखना और देखना, एक्स बराबर जीरो से ए, तो रोट इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। ये तो मेरे पास ए रेडियस का, पहले सर्किल बना लो, तो ए रेडियस का ये मेरे पास सर्किल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ए रेडियस का सर्किल हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्किल हो गया। और देखना, यहाँ से एक्स बराबर जीरो टू एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ए रेडियस का है ये, यहाँ एक्स का मान क्या है, ए है, यहाँ वाई का मान क्या है, ए है। तो एक्स बराबर जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ ख़त्म करेगा, और यहाँ वाई का मान क्या है, वाई की लिमिट क्या है, जीरो से लेकर वाई बराबर अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला ही शेप आपको दिया हुआ है, क्लियर। इसका हमें कोई मतलब नहीं है, ये इतना इतना पार्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब जो स्ट्रिप दी हुई है, पैरेलल स्ट्रिप, लिमिट किसकी है, ये वाली वाई की है, मतलब पैरेलल स्ट्रिप किसके अकॉर्डिंग है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, मतलब वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो से लेकर वाई बराबर अनरूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें हमें क्या दी, क्या है, दी हुई है, ये की चीज़ें हमें इक्वेशन में दी हुई है, क्लियर। ये ध्यान रखना स्ट्रिप का, अगर ये वाली लिमिट वाई की है, मतलब पट्टी किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, ये लिमिट अगर एक्स की है, मतलब पट्टी किसके है, एक्स एक्सिस के, ठीक है। आपको चेंज करने के लिए क्या करना है, इसको घुमा दो, ठीक है। तो देखना, चेंज कर रहा हूँ इसको, ये ए रेडियस का सर्किल हो गया, इस पट्टी को क्या कर दो, एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दो और इसकी लिमिट निकाल दो, ठीक है। अब वाई की लिमिट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वाई तो देखो साहब, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ ख़त्म कर रहा है, यहाँ वाई का मान क्या है, ए है, यहाँ एक्स का मान क्या है, ए है, यहाँ वाई एक्स का मान, वाई का मान क्या है, जीरो है। तो वाई की तो सीधी सीधी लिमिट हो गई वाई बराबर जीरो से ए। अब निकालना है इसकी लिमिट, इसकी लिमिट हम निकालेंगे। तो देखो, ये पट्टी कहाँ से स्टार्ट कर रही है, इस लाइन से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। इस लाइन पे एक्स का मान क्या है, जीरो है, ठीक है। ख़त्म कहाँ कर रही है, इस सर्किल की इक्वेशन पे ख़त्म कर रही है, इस सर्किल पे ख़त्म कर रही है, ठीक है। तो इस सर्किल की इक्वेशन से क्या कर दो, एक्स का मान निकाल दो। तो सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
तो अक्ष बराबर क्या मिलेगा, प्लस माइनस अनरूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वाली लेंगे, तो अक्ष बराबर अनरूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि अक्ष की लिमिट क्या रहेगी, अनरूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। तो आपके पास जो ये वाला इंटीग्रेशन चेंज होके आएगा वो क्या आएगा, आपके पास जीरो से ए, जीरो से अनरूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, यही क्या होगा आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो लिमिट दी हुई है उसको चेंज करने के लिए क्या करोगे, पट्टी को घुमा दो और लिमिट निकाल दो। लिमिट निकालना मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को लिमिट निकालना अभी भी नहीं समझ में आए तो लेक्चर नंबर एक जहाँ से डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है वहाँ से दोबारा देखें और बारीकी से देखें पूरा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो दो तीन बार जब आप लेक्चर पूरे देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेक्चर देखते हो तो पूरा क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग इट्स जीरो टू इन्फिनिटिव, अक्ष से इन्फिनिटिव ए की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई। अब देखना, एक सेकेंड, जीरो से इन्फिनिटिव, अक्ष से इन्फिनिटिव, हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करनी है। लिमिट चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू भी हमें निकालनी है, मतलब चेंज करके क्या करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखना सबसे पहले इसकी लिमिट चेंज करेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करके इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो रिजल्ट दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एक्स की लिमिट है, मतलब एक्स का फंक्शन है, मतलब वाई की लिमिट है, वाई बराबर एक्स टू वाई बराबर अनंत, और एक्स बराबर जीरो टू एक्स बराबर अनंत। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उससे पहले ग्राफ बना लेते हैं। एक्स बराबर वाई हम जानते हैं, ये वाला होता है, ठीक है, और वाई बराबर अनंत, अनंत वाला पॉइंट मैं यहाँ मान लेता हूँ, वाई बराबर अनंत। ठीक है, तो वाई बराबर एक्स से स्टार्ट हो रहा है, वाई बराबर एक्स वाली लाइन ये है और चलता जा रहा है अनंत पे, ख़त्म हो रहा है, अनंत वाली लाइन ये है। ठीक है, अनंत वाली लाइन ये हो गई, तो y बराबर अक्ष से, मतलब पैरेलल पट्टी कैसी दी हुई है हमें, y एक्सिस के पैरेलल दी हुई है। इसको क्या करना है, घुमाना है, और अक्ष बराबर जीरो से स्टार्ट कर रहा है और ख़त्म क्या कर रहा, कहाँ कर रहा है, अनंत पे। तो अक्ष बराबर जीरो यहाँ होगा, अनंत में यहाँ कहीं मान लेता हूँ, अक्ष बराबर अनंत। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखना हमें क्या करना है, इस पट्टी को रोटेट करना है और इसकी लिमिट चेंज करनी है। तो देखना पहले ग्राफ ऐसे कैसे बना लो, ये y बराबर x, क्लियर, ये y बराबर अनंत, ठीक है। अब देखना, और ये x बराबर अनंत, ठीक है। अब इसकी लिमिट चेंज करते हैं, तो पट्टी को क्या कर दो, रोटेट कर दो। तो रोटेट करोगे तो पट्टी किस प्रकार हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी आपकी। मतलब अब आपको देखना है कि अब पहले y की लिमिट देख लो, y की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, y की लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस लाइन से। यहाँ y का मान क्या है, जीरो, ये y की रहेगी और चलती जा रही है, ख़त्म कहाँ कर रही है,
अनंत पे, तो y की लिमिट तो क्या हो गई, y बराबर 0 टू y बराबर अनंत। यहाँ से देखना इस बार y के लिए सिर्फ ये लाइन देखी जाएगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, तो y बराबर 0 से लेकर y बराबर अनंत तक रहेगी। अब अक्ष के लिए देख लो, ये पट्टी कहाँ से स्टार्ट कर रही है, ये 0 से स्टार्ट कर रही है, ख़त्म क्या कर रही है, अक्ष बराबर y पे ख़त्म कर रही है। तो अक्ष की लिमिट क्या होगी, अक्ष बराबर 0 टू अक्ष बराबर y। तो इस इंटीग्रेशन की जो नई लिमिट आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, 0 टू अनंत और 0 टू y e की पावर माइनस y अपॉन y dx dy। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये लिमिट किसकी है, अक्ष की है, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, अक्ष के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये वाला फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से इन्फिनिटी x, 0 से y e की पावर माइनस y अपॉन y dy, लिमिट रख दो तो 0 से इन्फिनिटी y e की पावर माइनस y अपॉन y dy, ये टर्म कैंसिल। आगे चलते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y dy, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y एंड माइनस 0 से इन्फिनिटी। लिमिट लगाते हो तो e की पावर माइनस 0 का मान 1 हो जाएगा और इसका मान 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको 1 मिलेगा। जब आप लिमिट लगाते हो तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 0, ठीक है, माइनस माइनस फिर माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, e की पावर माइनस 0 का मान 1, तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा, यही क्या होगा इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 से इन्फिनिटी, अक्ष से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई, ये आपको दिया हुआ है, इसकी लिमिट चेंज करनी है, उसके बाद इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो इसके लिए देखना, सबसे पहले जो रिजल्ट दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। रिजल्ट आपको y बराबर x से लेकर y बराबर इन्फिनिटी और x बराबर 0 से लेकर x बराबर इन्फिनिटी, ये चीज़ आपको दी हुई है। यहाँ से ग्राफ बना लो, ग्राफ में देख लो, y बराबर x से स्टार्ट हो रहा है और y बराबर अनंत तक ख़त्म कर रहा है, मतलब पट्टी आपको y एक्सिस के पैरेलल दी हुई है, इसको रोटेट करना है और x एक्सिस के पैरेलल लेना है। तो y की लिमिट तो कांस्टेंट y बराबर 0 से लेकर y बराबर अनंत तक रहेगी। x की लिमिट देखना, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, 0 से यहाँ ख़त्म कर रही है, मतलब x बराबर y, लिमिट चेंज कर दो। चेंज करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट रखते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका 1 मिलेगा, यही क्या है इसका फाइनल रिजल्ट है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। चेंज द ऑर्डर ऑफ Change the order of integration in following integral 0 to 4a x square upon 4a to root ax f xy dx dy। इसका क्या करना है, हमें order change करना है। तो देखना, order change करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख दो, ये किसका मान है, y का है, तो y बराबर x स्क्वायर अपॉन 4a से लेकर y बराबर 2 रूट ए एक्स, ठीक है, और ये लिमिट किसकी है, x की है, x बराबर 0 टू x बराबर 4a, ठीक है। अब ये पता नहीं चल रहा किसकी इक्वेशन है, तो थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करोगे तो ये यहाँ से x स्क्वायर बराबर 4a y इसको भेज दो, और ये क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर बराबर 4a x, क्लियर। तो क्या दिया हुआ है, दोनों के दोनों केस क्या है, परवलय है, ये एक ऊपर वाला एक इस तरफ वाला, दोनों क्या है, परवलय है, तो परवलय ड्रॉ कर लो, और ये क्या है, एक रेखा है। तो देखना, इधर कर रहा हूँ,
अक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई, तो अक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई वाला तो कौन सा होगा, ये होगा अक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई, और वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये कौन सा है वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, ये दोनों क्या है परवलय, x बराबर जीरो, x बराबर जीरो यहाँ और x बराबर फोर ए, ध्यान रखना ये परवलय कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, फोर ए पर करते हैं, मतलब x बराबर फोर ए यहाँ होगा, ये सरल रेखा ये वाली होगी। अब देखो पट्टी किसके पैरेलल दी हुई है, ये लिमिट y की है, मतलब पट्टी किसकी पैरेलल हो गई, y एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है, और लिमिट कैसे दी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए से लेकर y बराबर टू रूट ए एक्स तक, इस प्रकार आपको ये चीज़ आपको पूरी दी हुई है। इसका क्या करना है, आपको ऑर्डर चेंज करना है, मतलब इसको क्या ऐसे लेना है आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लेना है और वैल्यू निकालनी है। तो देखना ये ऊपर वाला परवलय, ये इस प्रकार वाला, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई, ये वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, ठीक है, इस पट्टी को क्या करना है आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो वाई की लिमिट निकाल लो, ठीक है, पहले तो वाई की निकाल लो क्योंकि कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वाई कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ ख़त्म कर रहा है, यानी कि इस वैल्यू यहाँ वाई का मान क्या है जीरो, यहाँ वाई का मान क्या है फोर ए, क्योंकि ये कहाँ टच कर कहाँ इंटरसेक्ट करता है फोर ए पर, ठीक है, मतलब यहाँ वाई बराबर क्या है आपके पास फोर ए है, तो वाई की लिमिट तो आपके पास क्या हो जाएगी वाई बराबर जीरो टू वाई बराबर फोर ए हो जाएगी, ठीक है। अक्स की लिमिट निकालने के लिए देखो अक्स कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इस पैराबोला से कर रहा है, इस परवलय से, मतलब इस परवलय की इक्वेशन से आपको क्या करना है अक्स का मान निकालना है। ये वाला परवलय कौन सा है, ये वाला, ये है, यहाँ से अक्स का मान निकालोगे तो अक्स बराबर क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए, यानी कि अक्स बराबर क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए, और ख़त्म कहाँ कर रहा है, इस पैराबोला पे, इस पैराबोला से अक्स का मान निकाल दो तो अक्स बराबर होगा टू रूट ए वाई, तो अक्स की लिमिट अपने पास क्या होगी, अक्स बराबर होगा आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए टू, अक्स बराबर टू रूट ए वाई, तो ऑर्डर चेंज करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा जीरो टू फोर ए और वाई स्क्वायर अपॉन फोर ए से लेकर टू रूट ए वाई एंड एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, यही क्या होगा आपको फाइनल रिजल्ट होगा, ये क्या है आपके पास ऑर्डर चेंज करने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आपका जो डबल इंटीग्रेशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो यहाँ तक क्लियर होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।